शिमाली लाहौर सूबाई दारुल हुकूमत का गुंजान आबाद इलाका है, जहां से बस्ती लाहौर में दाखिल होने के लिए शहरी एक बोरिया पुल का इस्तेमाल करते हैं। गुज़श्ता चंद बरसों से ये पुल ट्रैफिक के लिए तंग पड़ गया है। ट्रैफिक का दबाव इस कदर होता है कि अक्सर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। वो रश रहता है, 24 घंटे ट्रैफिक जाम रहती है। गेड़ी होता गेड़ी गेड़ी जो होती है, रक्षे वाले ट्रैफिक वाले इधर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम रहती है। इधर अक्सर मतलब शाम को जो है ना, वो अक्सर ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। रास्ता कम है और ये जो ये चिंगजी रिक्शे वाले हैं, इनका इतना शोर होता है कि बीमार आदमी या कोई थोड़ा सा भी मतलब बाशऊर आदमी होना तो उसका ज़हन जो है ना वो फटने को आ जाता है। ट्रैफिक वार्डन्स के लिए भी शायद इस इलाका में ड्यूटी अंजाम देना सबसे मुश्किल काम है। यही वजह है कि वो इस बेहंगम ट्रैफिक को बहाल करने की नाकाम कोशिश करते नजर आते हैं। चिंगजी रिक्शों का ज्यादा लोड है, इसके अलावा जो है ना ये गधा गाड़ी जो है इनका बहुत ज्यादा लोड है, ये है कि मैनेज हो जाता है। शहरियों के मुताबिक हुकूमत ने सबसे पहले एक मोरिया पुल पर फ्लाईओवर बनाने का वादा किया था, लेकिन फ्लाईओवर्स उन इलाकों में बनाए जा रहे हैं जहां इतनी जरूरत भी नहीं। हमसे क्या करते हैं कि इसके ऊपर पुल बनाया जाए, ये बाहर बना रहे हैं पुल, यहाँ क्यों नहीं बनाते, यहाँ अंडर पास क्यों नहीं बन रहे हमारे एरिया में, क्या वजह है? बहुत परेशान रहने हैं, अपील है कि पुल बनाया जाए। सर ये ट्रैफिक जाम होती है सारी, वार्डन वाले की ड्यूटी करते हैं क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होती, हम बैक पर जाते हैं, बैक रास्ता नहीं मिलता, यहाँ पुल बनाना चाहिए। शुमाली लाहौर के मकीनों ने रोज बरोज बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने और राहगीरों की आसानी के लिए एक मोरिया पुल पर हंगामी बुनियादों पर फ्लाईओवर की तामीर शुरू करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ आमिर डार, सिटी 42।